नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से हाथरस की खबर। हाथरस शहर की जनता ओवर ब्रिज को लेकर हुई व्याकुल। आपको बता दें कि हाथरस शहर की जनता का कहना है कि व्याकुलता को और न बढ़ाइए, शहरवासियों ने काफ़ी परेशानियां झेली हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वाशुड़े, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जिला प्रशासन से मांग की है कि उद्घाटन के इंतजार में पुल के आवागमन को बंद न किया जाए। इस पुल के लिए जनता ने काफ़ी आंदोलन और संघर्ष किया है और घंटों घंटों जाम में फंसकर इसके पूरा होने का इंतजार किया है, लेकिन फिर भारी मंत्री द्वारा समय न देने के कारण इस पुल को और ज़्यादा दिनों तक बंद न किया जाए, ये जनता की मांग है। जनता की मांग पर इस पुल को अविलंब प्रारंभ कर किया जाए। जब भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री पर समय हो, वो आकर इसका उद्घाटन करते रहें, यही जनता मांग करती है। अब उद्घाटन के इंतजार में जनता को परेशान न किया जाए। अलीगढ़ मंडल प्रभारी अनिल चौधरी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स में राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण वाशुड़े आज हाथरस जनपद के ओवरब्रिज की उद्घाटन के रूप में उम्मीद जगी थी कि हाथरस की जनता जाम से बच सकेगी, लेकिन प्रभारी मंत्री जी द्वारा समय न दिए जाने के कारण आज उसका उद्घाटन नहीं हो सका। हाथरस की जनता काफ़ी मायूस है, क्योंकि उसने बरसों इस जाम झेला है, जाम में घंटों इंतजार किया है और संघर्ष किया है इस पुल के निर्माण के लिए, आंदोलन किए हैं। इस आंदोलन और संघर्ष के बाद इस पुल का निर्माण होने के बाद उसकी उम्मीदों पर एक बार पुनः पानी फिर गया है। हम लोग पुनः जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं, किसी के भी उद्घाटन के इंतजार में इस पुल के आवागमन को बंद ना किया जाए। जब भी हमारे मंत्रियों पर, जनप्रतिनिधियों पर समय हो, वह आकर इसका उद्घाटन कर लें, लेकिन इसके आवागमन को चालू रखें, जिससे कि आम जनता के जो परेशानी है उससे आम जनता को बचाया जा सके और यह जनता की सुविधा के लिए है।